तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता के बयान के चलते एक बार फिर पार्टी उलझ कर रह गई। निशाना सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था और शब्द आपत्तिजनक। तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। मौका मिला तो भाजपा ने कांग्रेस को घेरते हुए बयान देने वाले नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दे डाले। FIR की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। सुनिए पहले वो बयान जिसके चलते मध्य प्रदेश की सियासत गर्म आ गई है। कि मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है, संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। बयान देने वाले कांग्रेसी नेता का नाम है राजा पटेरिया। पटेरिया कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पटेरिया ने अपने बयान में कहा कि मोदी चुनाव को बर्बाद कर देंगे, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट डालेंगे, दलितों आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की जान जोखिम में है, संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या कर डालो। हालांकि बयान के आगे पटेरिया ने ये भी साफ किया कि उनका आशय राजनीतिक हत्या से है। तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या कराने का काम। बयान आया तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं, ये विद्वेष की पराकाष्ठा है, ये घृणा की अति है। भारत जोड़ो यात्रा की असलियत सामने आ रही है। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में हरा नहीं पा रही तो वो नफरत की हद पार कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की आस्था के केंद्र है, कांग्रेस नेता की ये टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कानून अपना काम करेगा। माननीय मोदी जी संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं, कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। वायरल वीडियो पन्ना जिले के पवई का बताया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ पुराण।